और दंड और प्रणाम करते हुए पहले हम कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के बाद में हम लोग आज के सत्र का आरंभ करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा नील मधव राधा नील मधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय जगन्नाथ जय सुभद्रा मैया जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान।
जय प्रह्लाद जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव गुरुदेव विष्णु गोस्वामी गुरुदेव नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समस्त भक्त बिंदुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है और जो ज्वाइन करने हैं सबको अपने अपने समय देने के लिए बहुत बहुत फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोगों के चरण कमलों पर अपने को दंडवत प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए आप लोग से परमिशन लेते हुए आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए आज के सत्र का हम लोग आरम्भ करते हैं। जैसे कि ये टॉपिक है जैसे कि ये टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया था कि क्लब 99 महाराजा पृथु के जो 100 घोड़ों का बलिदान था और उससे क्लब 99 कैसे कनेक्ट होता है। उस तो बेसिक उद्देश्य उस क्लास का यही है इस सत्र का यही है। सत्र के पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद में इमीडिएटली हम लोग सत्र का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये आज का सत्र का जो विषय है ये बेसिकली पृथु महाराज के ऊपर में पूरा इसका फोकस है। पृथु महाराज और पृथु महाराज ने किस तरह से अपने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 100 घोड़ों का सेक्रीफाइस करने की उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में वो किस तरह से नाकाम रहे और क्लब 99 में फंस गए। तो ये क्लब 99 का अर्थ क्या है। क्लब 99 एक ऐसा एक विशेष क्लब है जहां पर आने के बाद में सब बुरी तरह से फंस जाते हैं। एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बार अकबर और बीरबल दोनों लोग अपने अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो अकबर ने देखा कि एक वो लोग एक घर के पास से जैसे ही निकले तो अकबर ने देखा कि एक बहुत ही गरीब परिवार जिसके अंदर में सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे हैं और वो गरीब परिवार को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि ये परिवार तो बहुत खुश है। अकबर को लगा कि ये कैसी बात हो गई, मैं तो इतना बड़ा राजा और इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी मेरे अंदर में वो प्रसन्नता नहीं है, मेरे अंदर में वो संतुष्टि नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एक गरीब परिवार जिसके पास में शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं है और इसके बावजूद भी वो कितना ही आनंद में है। तो उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल एक बार बताओ ये चक्कर क्या है, मैं प्रजापति राजा इतना महान राजा लेकिन इसके बावजूद भी मुझे प्रसन्नता उतनी नहीं है ना तो उतनी संतुष्टि है जितने की संतुष्टि इस गरीब ब्राह्मण को है। तो बीरबल एज यूजुअल बहुत ही इंटेलिजेंट उन्होंने बोला कि महाराज मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर तो जरूर दूंगा लेकिन उसके लिए मुझे दो चीज का जरूरत है। अकबर ने पूछा बताइए किस किस चीज की जरूरत है।
तो बीरबल ने बोला कि एक तो मुझे आप 99 स्वर्ण असल्फिया दें और दूसरा मुझे 6 माह का समय दे दें। अकबर ने तो कंफ्यूज, अकबर को तो समझ नहीं आया कि ये बोलना क्या चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, बीरबल को बोला कि उनको तो अपने प्रश्न के उत्तर की जरूरत थी, तो उन्होंने बीरबल को बोला कि कोई बात नहीं, ये रहे 99 असल्फिया स्वर्ण असल्फिया और इसके साथ में मैं तुमको 6 महीने का समय भी देता हूँ और 6 महीने के बाद में हम लोग इसके आंसर को आपसे मैं लूंगा। बीरबल ने बोला कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने क्या किया कि ये जो 99 असल्फिया का जो पोटली था, इस पोटली को वो गए चुपके से गरीब ब्राह्मण के दरवाजे पे रखकर रात्रि में चले आए। गरीब ब्राह्मण जब सुबह सो के उठा तो देखता है कि उसके दरवाजे पे 99 स्वर्ण असल्फिया का एक गट्ठर पड़ा था। उसने वो उठाया, उठा के जैसे ही उसने गट्ठर को खोला तो उसमें देखा, अरे इसमें तो स्वर्ण असल्फिया है। बहुत आनंद हुआ और उस आनंद में आके वो गिनना शुरू किया। जब गिना तो गिनते गिनते 99 पे आके रुक गया। उसको लगा कि नहीं, ये तो मेरे गिनती में कुछ तो गड़बड़ है, यदि कोई देना भी चाहेगा तो क्यों 99 देगा, वो 100 पूरा करके देगा, वो 99 तो देगा नहीं, तो मेरे गिनती में कोई गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, पोटली को अपने पत्नी को दिया और पत्नी को देके बोला कृपया आप इसको भी गिनना शुरू करिए। उन्होंने भी गिना, गिनते गिनते वो भी 99 पे आके रुक गई। उन्होंने बोला नहीं, ये कंफर्म है, इसमें केवल 99 ही है। बोले नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तुमसे भी गलती हो गई है, मैं एक काम करता हूँ अपने पुत्र को देता हूँ और वो बिल्कुल सही गिनेगा और गिन के बताएगा कि इसमें 100 असल्फिया ही है। उन्होंने अपने पुत्र को दिया, पुत्र ने भी अपना गिनती शुरू किया, गिनते गिनते वो भी 99 पे जाके रुक गए। तो ये जब ये कंफर्म हो गया कि सिर्फ उसमें 99 असल्फिया ही है, तो जो ब्राह्मण थे, जो घर के मालिक थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ और उस कष्ट में उन्होंने एक प्रण लिया कि अब मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि किसी भी हालत में ये 99 जो है उसको पार करके हमें 100 तक पहुंचना है। और यहीं से खेल शुरू हो गया। जो उनकी भक्ति थी, जो उनकी साधना थी, जो भगवान के प्रति उनका प्रेम था, वो सब अब खत्म होके वो प वर्ग में फंस गए और मेहनत करना शुरू किया। कुछ दिन बीत गए लेकिन स्वर्ण असल्फिया तो को अर्जित करना इतना तो आसान काम है नहीं, इसलिए वो एक असल्फी तो अर्जित कर नहीं पा रहे थे जिससे कि वो 100 कंप्लीट हो जाए। और उसके बीच में उनकी पत्नी जो थी उनको थोड़ा सा इंपेशेंस हो गया, उनको लगा कि नहीं ये क्या हुआ, देखिए हमारे पास में 99 असल्फिया है और हमारे पति देव जो है 100 के पीछे में लगे हुए हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग करते हैं, थोड़ा सा खर्च वर्च करते हैं और देखते हैं कि ना जब तक ये अपना पूरा करेंगे 100 तो हो ही जाएगा। और उन्होंने वो उसमें से 2-3 निकाला और 2-3 निकाल के वो अपना खर्च करना शुरू कर दी। जो 10 दिन के बाद में एक कमा तो पाए नहीं लेकिन उनको फिर इच्छा हुई कि एक बार गिन लेते हैं। तो ब्राह्मण देवता जैसे ही गिनना शुरू किए देखे अरे ये तो 97 हो गया है। पत्नी से पूछा ये क्या किया, ये 97 कैसे हो गया। तो उन्होंने बोला आप चिंता मत करिए, आप जो है इस तरह से परेशान हो रहे थे, आप इसी तरह से परेशान रहिए, लीव इट। अब इसमें इतने सारा पड़ा हुआ था, शॉपिंग करने की इच्छा हो गया कि थोड़ा सा कुछ बजा वजा करके आ गया, इसलिए 2-3 कम हो गया। अब आप तो मेहनत कर ही रहे हैं, तो जब आप मेहनत करेंगे तो जो एक जैसे मेहनत करके ले आते वैसे आप और 1-2-3 करके लेके आइए, अब कोई बात नहीं, 97 हो गया, कोई बात नहीं है। जब उनके पुत्र ने देखा कि माता जी ने 2-3 असल्फियों को खर्च कर दिया है तो पुत्र ने भी सोचा कि अरे अच्छी बात है, असल्फियां घर पे पड़ी है, पिताजी कष्ट तो करके मेहनत कर ही रहे हैं, वो अपना करते रहेंगे, एक काम करते हैं कुछ हम भी इसमें से खर्च कर देते हैं। और 5-6 दिन के बाद में, 1 महीने के बाद में वो भी इसमें से कुछ खर्च कर दिया उन्होंने। जब उसमें से खर्च कर दिया तो फिर बाद में फिर ब्रह्मा देवता महीने के बाद में गिनना शुरू किए और जब गिनना शुरू किए तो देखे अरे ये तो
पहले 99 था, 99 97 हो गया, अब 97 95 हो गया। उन्होंने फिर से बोला, भाई पूछा ये क्या हो गया, इस बार किसने किया? तो उनके पुत्र ने बोला कि पिताजी आप अपने काम में लगे रहिए, बिल्कुल उतनी भरपूर ढंग से मेहनत करिए, और जो अभी तक 2-3 कम हुआ था केवल 5 ही कम हुआ है, आप चिंता मत करिए, आप तो मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत से आपको फिर से वो 5 मिल जाएंगे। अभी आपको 2-3 का 1 का कमी था, मेहनत किया आपने, कोई बात नहीं, नहीं हुआ हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। और इस तरह से करते करते असरफिया तो कम होते गई, वो 100 हुआ नहीं, लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण देवता और उनके परिवार में जो शांति था, शांति बिल्कुल खत्म हो गया। जो भगवान के प्रति एक समर्पण का भाव था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और बचा क्या, केवल क्लेश, एक दूसरे से युद्ध। तुमने ऐसा क्यों खर्च कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिता को बोले आप मेहनत नहीं ठीक से कर रहे हैं, और वो सब उसी द्वंद्व में कुछ बुरी तरह से उलझ गए। 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद में अकबर को याद था, उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल जी चलिए अब चलते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर बताइए कि क्या हो गया, 99 क्लब क्या है। तो बीरबल बोले कि देखिए आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, चलिए हम लोग चलते हैं उसी ब्राह्मण देवता के घर के पास में और देखते हैं कि अब क्या सिचुएशन है। अकबर बीरबल दोनों ब्राह्मण देवता के घर के पास में आए और इस बार उन्होंने क्या देखा, इस बार उन्होंने देखा कि बिल्कुल से अशांति, एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं, एक दूसरे से कोई श्रद्धा नहीं, और एक दूसरे को ऑलमोस्ट मतलब कोई ट्रस्ट नहीं, कोई एक दूसरे के पर विश्वास नहीं, बिल्कुल जो शांति थी और जो सद्भावना थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, जो भगवान के प्रति प्रेम था वो बिल्कुल खत्म हो गया। तब अकबर ने बीरबल से पूछा कि हाँ भाई ये तो मुझको समझ आ गया, ये लोग भी हमारी ही तरह हो गए, लेकिन हुआ क्यों? तब बीरबल ने उनको समझाया कि ये क्लब 99 का खेल है, इस क्लब 99 में जो भी एक बार पड़ जाता है और उस एक को पूरा करने के लिए वो अपनी शांति, अपनी समृद्धि, अपना प्रेम सब कुछ खो देता है और वो इसी पवर्ग में उलझ जाता है। बीरबल ने अकबर को समझाया, अकबर को समझ आ गया। इसी तरह से क्लब 99 का एक और क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग सभी लोग एक जमाने में क्रिकेट तो देखा करते थे, हम लोगों ने सभी ने देखा है कि जैसे ही कोई प्लेयर 90 से 100 के बीच में पहुंचता था तो उसका जो खेलने का इंस्टिंक्ट, उसका जो खेलने का जो तरीका वो बिल्कुल बदल जाता था। और हमारे भारत देश में एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे चेतन चौहान, उनके आप रिकॉर्ड को देखेंगे, उन्होंने जितना शतक नहीं बनाया, सेंचुरी नहीं बनाया, उससे ज्यादा वो 99 पे आउट हो गए। तो ये है क्लब 99 की महिमा, एक बार इस क्लब में जो फंस जाता है उससे वो निकल नहीं पाता है जब तक कि भगवान की उसके ऊपर कृपा नहीं हो। इसी तरह से पृथु महाराज ने एक समय अश्वमेध यज्ञ करने को ठाना और उस अश्वमेध यज्ञ में जैसे सबको पता है कि 100 घोड़ों का बलिदान दिया जाता है, 100 घोड़ों के बलिदान के समय में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जैसे ही 99 पूरा हुआ, उस 99 के पूरा होते ही सारा कांड वहां पे सामने आ गया। हुआ क्या कि इंद्र जो थे उनको ये लगा कि पृथु महाराज यदि 100 पूरा कर लेंगे तो उनके अस्तित्व को खतरा है, और उस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इंद्र ने थल कपट से 100 घोड़े को उन्होंने अपहरण कर लिया। और अपहरण करने के बाद में पृथु महाराज भी उस घोड़े को पाने के लिए इंद्र के पीछे पहले अपने पुत्र को उन्होंने छोड़ा कि जाओ पुत्र घोड़े को ले आओ, और उसके बाद में काफी कुछ घटना चली जिसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा डिस्कशन जो है पृथु महाराज के ऊपर आधारित है। अब देखना यह है कि ये पृथु महाराज जो है किस वंशावली से है, क्योंकि जब पृथु महाराज के
बारे में हम जब चर्चा करेंगे तो हमें यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी महाराज हैं कौन, किस वंशावली से है। इस विषय में श्रीमद् भागवतम के 13वें अध्याय में यह डिस्कशन शुरू होता है मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि मैत्रेय मुनि, आपने अभी तक ये हम लोगों को समझाया कि ध्रुव महाराज किस तरह से भगवत धाम को सशरीर प्राप्त हुए, और जब वो सशरीर अपने भगवत धाम को उन्होंने प्रवेश किया उस समय वहां पर नारद मुनि उपस्थित थे, और जब नारद मुनि वहां पे थे उन्होंने जब देखा ध्रुव महाराज को सशरीर जाते हुए तो उनको बहुत ही आनंद हुआ, और उस आनंद में आकर उन्होंने ध्रुव महाराज के बारे में बहुत सारे उनके बारे में चर्चा की, उनकी काफी बड़ाई की, और उसके साथ में ही उन्होंने त्वचेतास के बारे में भी 3 श्लोकों में उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में चर्चा किया। तो इस वजह से विदुर महाराज मैत्रेय मुनि को पूछ रहे हैं कि अब मुझे आप त्वचेतास के बारे में बताइए कि त्वचेतास, जो कि नारद मुनि स्पेसिफिकली त्वचेतास के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये त्वचेता जो है ये भगवान के बहुत ही बड़े शुद्ध भक्त है, और उनकी जो कार्यकलाप है वो भी भगवान के प्रति समर्पित है, तो किस तरह से त्वचेतास ने अपने कार्यकलाप को भगवान के प्रति समर्पित करते हुए किया, इसके बारे में जरा आप मेरे से विस्तार में बताइए। त्वचेतास के बारे में जानने के लिए विदुर जी को मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज से शुरू किया। उन्होंने बताया कि ध्रुव महाराज जब अपने धाम पे प्रवेश हो गए तो उसके बाद में राज्याभिषेक के लिए कोई तो होना चाहिए, तो उनके पुत्र उत्कल को वहां पे डिसाइड किया गया कि अब इनको हम लोग सिंहासन पे बैठाया जाए। सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि जब ये चैप्टर 13 अध्याय शुरू होता है तो उसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से किस ढंग से प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है, ये बहुत ही हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी भक्त के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूत जी क्या बोलते हैं, निशम्य कौसार विरोपवर्तम वैकुंठ पदाधिरोहणम प्ररूढ़ भावो भगवत दोक्षजे प्रस्तुम पुनस्तम विदुरः प्रचक्रमे। यहाँ पे 3 शब्दों का बहुत ही फोकस करने के लिए जरूरी है। एक है प्ररूढ़ भावो भगवत अधोक्षजे, अर्थात कि विदु जी को क्या हुआ, उनको प्ररूढ़ भाव हुआ, मतलब एक बहुत ही बढ़ा हुआ उनके प्रति उनके अंदर में हृदय में इच्छा हुई, क्या हुई, भक्ति भाव की पावर, भक्ति भाव की एक बहुत ही प्रबल इच्छा हुई, और किसके लिए, भगवती भगवान के प्रति। अधोक्षजे, जो भगवान कैसे है, भगवान ऐसे है जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव से परे है। इसके तात्पर्य में रूपा जी बताते हैं कि मैत्रेय ऋषि द्वारा ध्रुव महाराज के विष्णु धाम में आरोहण का वर्णन किए जाने पर विदुर में भक्ति भाव का अत्यधिक संचार हो उठा, और उन्होंने मैत्रेय से इस प्रकार पूछा, प्रभुजी माता जी, ये एक किसी भी एक भक्त के ये सबसे बड़े गुण है कि भक्त जब देखता है कि किसी भी दूसरे भक्त को भगवान अपने धाम पे प्रवेश करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, या फिर कोई भक्त अपने कृष्ण भावना मृत में आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे भक्त को बहुत ही आनंद होता है, क्या होता है, प्ररूढ़ भाव, भक्ति भाव में एक बढ़ा हुआ बहुत ही आनंद होता है भगवान के प्रति,
भगवान आपने इस भक्त के ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि इनको आपने अपने कृष्ण भावनामृत भाव में बढ़ने के लिए आपने इसको अलाउ किया। ये एक भक्त की बहुत बड़ी गुण होता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिव्य विषय वस्तु एक ऐसी रोचक होती है, न तो कोई सुनते और न कोई कहने में थकान का अनुभव करता है। हम लोग अभी तक ये देख रहे हैं कि अभी तक शायद 2 या 3 महीने से हम लोगों का रेगुलर एक सत्र चल रहा है। कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे भक्त ने अपने सत्र का परिचालन किया है। सभी भक्तों ने अपने अपने भावनाओं को ये प्रदर्शित किया है कि किस तरह से कृष्ण भावानामृत में हम लोग सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। सभी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड है और हम सब उनके उनके नित्य दास है। हम लोगों का कार्य है कि भगवान के चरणों की सेवा करना। सभी वक्ताओं ने सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में चर्चा की। लेकिन चूंकि भगवान दिव्य है और उनके प्रति उनसे कनेक्टेड कोई भी कथा, चूंकि भगवान दिव्य है इसलिए उनसे कनेक्टेड कोई भी कथा वो भी दिव्य हो जाती है। और जब कथा दिव्य हो जाती है तो उस समय किसी भी भक्त को उस कथा को कहने के लिए कोई भी न तो थकान का अनुभव होता है, क्योंकि वो कथा दिव्य है। यदि आज किसी भौतिक कथा के बारे में 3 महीने से इस तरह से चर्चा हो रही होती कि कोई एक पिक्चर या कोई एक सिनेमा को किसने किस तरह से एक्टिंग किया, मैं बिल्कुल बिल्कुल निश्चित हूं कि कोई भी 3 महीने तक इस तरह से उसको न तो बोल पाता न तो सुन पाता। क्यों? क्योंकि वो भौतिक है, समय के अधीन है। क्योंकि वो कथा समय के अधीन है इसलिए समय के प्रभाव से उस कथा का जो अट्रैक्शन है, उस कथा में जो अट्रैक्शन है वो समय के प्रभाव से अपने आप कम होते जाता है। और कम होने के बाद में न तो वक्ता को आनंद आता और न तो श्रोता को आनंद आता। लेकिन चूंकि भगवान स्वयं दिव्य है, भगवान के रूप गुण और भगवान की लीलाएं सब दिव्य है और बहुत ही रोचक है, इसलिए उनके बारे में जितनी भी कथाएं हैं वो भी रोचक है। और चूंकि वो रोचक है इसलिए न तो वक्ता और न तो श्रोता को कोई भी थकान का अनुभव नहीं होता है। किंतु जो भक्त नहीं है वे सोच सकते हैं कि लोग केवल भगवान की वार्ता में इतना समय कैसे लगा सकते हैं। किंतु भक्त कभी भी भगवान या उनके भक्तों के विषय में सुनते तथा कहते संतुष्ट होते या अघाते नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की कथाएं हैं और भगवान के भक्तों की जो कथाएं हैं दोनों ही दिव्य है। और सिंस चूंकि वो दोनों ही दिव्य है इसलिए उन कथा को करने और उन कथा को सुनने में कभी भी किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती, कभी कोई ऊबता नहीं है। तुलसी माता जी, हम लोगों को सभी का उद्देश्य ही यही है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कथा सुने, किसके बारे में? भगवान के बारे में। और सभी लोग इस सत्र की परिचालना में सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही कर रहे हैं कि भगवान की कथा कर रहे हैं और भगवान की कथा के बारे में हम लोग बताते हैं। और उद्देश्य यही है कि हम लोग उसको सुपठन करें। सिर्फ कथा सुनने से कुछ नहीं होता है, हम लोग उसको सुपठन करें। सुपठन का अर्थ यह है कि जैसे ही कथा खत्म होती है या फिर जैसे ही हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ा, जैसे महाराज एक्सप्लेन करते हैं कि आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके सारे पॉइंट्स को फिर से एनालिसिस करिए और एनालिसिस करके देखिए कि हमारे अंदर में वो गुण है या नहीं है, और यदि हमारे अंदर में वो गुण नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर में भी वो गुण आए। और किसी भी कथा का उद्देश्य ही यही होता है कि हम जब कथा सुने और कथा सुनने के बाद में हमारे अंदर में यदि कोई विकार नहीं हो, यदि कोई हमारे अंदर में परिवर्तन नहीं हो, एक पॉजिटिव चेंज नहीं आए, तो उस कथा सुनने का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है, उस कथा सुनने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए
कथा सुनना और सुनने के बाद में उसका सुपठन करके उसको एनालिसिस करना, अपने से खुद से पूछना कि हम लोग जितना हम लोगों के जो गुण है, जो भौतिक गुण है, उस गुणों की वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और इस कथा में हमने जो आज सुना है इसके सुनने के बाद में कौन से गुण है जिसको हम अपने जिंदगी में ला सकते हैं और अपनी जिंदगी में ला के परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक हम अपने जिंदगी में, अपने व्यवहार में कथा सुनने के बाद में परिवर्तन नहीं ला सकते, तब तक कथा सुनने का अभिप्राय जो है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए अब सर जो जो सभी प्रभु जी माता जी हैं, जो हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, जो हर समय रेगुलर ढंग से हमारे भक्तों, जो महाराज के भक्तों के द्वारा कथा सुन रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में ले आकर कृपया इंट्रोस्पेक्ट करिए कि किस किस गुणों को हम अपने अंदर ला सकते हैं, हमारे अंदर में क्या कमी है और उस कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हम लोगों का सभी का उद्देश्य यही होना चाहिए, जैसा कि उद्देश्य विदुर जी का है। विदुर जी भगवान के महाभक्त, भगवान के कितने बड़े भक्त, मैत्रेय मुनि वो भी भगवान के भक्त, वक्ता मैत्रेय मुनि, श्रोता विदुर जी महाराज। कथा को किसने कौन सुना रहा है, सूत गोस्वामी भगवान के भक्त, शौनक आदि ऋषि भगवान के भक्त। तो देखिए, वक्ता भी भगवान के भक्त, श्रोता भी भगवान के भक्त, कथा भी दिव्य कथा, और इस कथा को सुनने के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है उसको हम अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन में परिवर्तन लाए, यही अपना उद्देश्य होना चाहिए। कथा को फिर आगे चलाते हैं। तो हुआ क्या कि जब ध्रुव महाराज चले गए अपने धाम पर, तो फिर राज्याभिषेक के लिए, जैसा कि हम लोगों के यहाँ पे सिस्टम है, हमारे यहाँ पे जो एक सिस्टम है कि पिता के जाने के बाद में पुत्र को गद्दी सौंपा जाता है, तो उसी तरह से उनके पुत्र उत्कल को सभी लोग डिसाइड किया कि अब इस सिंहासन पर उत्कल को विराजमान किया जाए। उत्कल जी लेकिन उस सिंहासन पर विराजमान होने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि जिस तरह से ध्रुव महाराज ने राज्य किया और राज्य करने के बाद में वो अपने को भगवान को समर्पित करके वो भगवत धाम को गए, वो नहीं चाहते थे इस प्रोसेस को फॉलो करना। वो क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि उत्कल जी जन्म से ही बिल्कुल संतुष्ट और क्या था, संसार से बिल्कुल अनासक्त थे। श्रीमद् भागवतम में 13वें चैप्टर में श्लोक संख्या 7 में विदुर जी मैत्रेय जी बताते हैं, सजन्मनोपाशन आत्मनिसंग सम, सजन्मनोपशात्मा निसंग समदर्शन ददर्श लोके वितत्मात्मा आत्मनम लोकाम आत्मनि। उपशांत उत्कल जी कैसे थे, उपशांत अर्थात अत्यंत संतुष्ट, निसंग अर्थात आसक्ति से रहित, और समदर्शन अर्थात समदर्शी। ये किसी भी भक्त के गुण होते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो जैसा कि प्रभु माता जी हम लोग बता रहे थे कि ये जो होते हैं ये भक्त के गुण होते हैं। भक्त के क्या क्या गुण होते हैं, उपशांत अर्थात बिल्कुल संतुष्ट। अब हम लोग अपने को देखते हैं, हम लोग क्या संतुष्ट हैं, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम लोग को अपनी इंद्रिय तृप्ति की इतनी इच्छा होती है कि हम लोगों को जब कुछ मिल जाता है तो उसके उपरांत
हम लोग फिर से और ज्यादा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं होते हैं। जब मिल गया और की इच्छा, जब जितना मिल गया और की इच्छा, संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन उत्कल महाराज कैसे थे? बिल्कुल उपशांत, बिल्कुल संतुष्ट, निसंग, आसक्ति से रहित, क्योंकि उनको अपने इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी, उनको अपने किसी भी वस्तु को लेकर कोई आसक्ति नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था। और ये क्यों नहीं था? क्यों? क्योंकि वह समदर्शी थे, वो सभी जीवों में भगवान को देखते थे, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा को स्थित देखते थे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे अंदर में भी परमात्मा, जितने भी हमारे यहाँ पे चल और अचल जितनी भी चीजें हैं, सबके अंदर में परमात्मा का निवास है। और चूंकि परमात्मा इतने सुंदर है, परमात्मा को का रूप और गुण इतना इतना अच्छा है, तो हमारे अंदर में जो परमात्मा है वो यदि इतने अच्छे हैं, तो जब दूसरे के अंदर में जो परमात्मा है वो भी उतने ही अच्छे हैं। और जब दूसरे के अंदर में भी परमात्मा उतने ही अच्छे हैं, तो एक समभाव आ जाता है। तो हम ये देखते हैं कि सब में चूंकि परमात्मा है, सब बराबर है, और एक समभाव आ जाता है, हम फिर सभी को एक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए कोई हम लोगों के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों ने देखा हुआ कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग बहुत ही चाहते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जिनको हम चाहते हैं उनसे हम प्रेम का भाव रखते हैं, और जिनको नहीं चाहते हैं उनसे हम बैर का भाव रखते हैं। तो ये संभव नहीं हुआ। लेकिन जब हम ये देखें कि जिसके प्रति हमारी बैर की भावना है, उसमें भी वही भगवान उसी रूप और गुण और उसी गुण को लेके व्यवस्थित है, तो हम उस व्यक्ति विशेष से फिर बैर नहीं कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग एक ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के लाइफ में सबको तो अच्छा सब अच्छा होता नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके बॉस को अच्छा नहीं लगता है, आपको बॉस से नहीं बनती है, बॉस अच्छा नहीं लगता है, या फिर जितने विद्यार्थी हैं वो शायद किसी टीचर को पसंद नहीं करते होंगे और उनके प्रति में उनका वो भाव ठीक नहीं होगा। जस्ट एक आप प्लीज ये एक्सपेरिमेंट करिएगा कि एक सेकेंड के लिए ये सोचिएगा कि जिसके प्रति हम बैर भाव रखते हैं उसमें भी वही भगवान है, वही भगवान बांसुरी बजाए, वही भगवान पीताम्बर धारण किए हुए हैं। आप खुद ही देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शांत मन हो गया, आपकी जो बैर की भावना थी उस व्यक्ति के प्रति में, वो बैर की भावना बिल्कुल बदल जाएगी। ये रूल है, और इसी को हम बोलते हैं समदर्शी। तो उत्कल जी क्या थे? उत्कल महाराज अत्यंत संतुष्ट, बिल्कुल आसक्ति से रहित और समदर्शी थे। और क्यों समदर्शी थे और उनमें ये भक्त के क्यों गुण थे? क्यों? क्योंकि वो सभी में वो भगवान को, परमात्मा को देख रहे थे। भक्ति कैसा होता है? भक्ति होता है अग्नि की तरह। अग्नि का क्या गुण है? अग्नि का गुण यह है कि जो भी उसके पास में आता है वो उसको जलाकर भस्म कर देता है। इसी तरह से भक्ति, यदि कोई भी भक्त भक्ति योग में लगता है, तो उसके द्वारा किए हुए कर्म के जो भी फल है, जो सकाम ढंग से किए हुए जो भी कर्म है और उस कर्म के जो फल है, वो फल जो है भक्ति योग के ताप से, भक्ति योग के ज्वाला से, वो सारे कर्म के फल नष्ट हो जाते हैं। और ये संभव केवल और केवल भक्ति योग के द्वारा ही संभव है। भगवत गीता में अध्याय 18 श्लोक नंबर 54 भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा,
दिव्य अवस्था में स्थित पुरुष को तत्काल पर ब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाता है। न सोचती न तो वो शोक करता है, न कांक्षती न कोई अपनी इच्छा रखता है, न कोई आसक्ति रहती है, न किसी के प्रति वो किसी भी चीज के बारे में उसको कोई सोचने की कोई आवश्यकता होती है। वो ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो तुरंत प्रसन्न आत्मा हो जाता है और उसके वजह से क्या होता है, समह सर्वेशु भूतेशु वो सर्व जीवों के प्रति समदर्शी हो जाता है। मद भक्ति लब्धे परा, और जब वो समदर्शी हो जाता है तो मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ कि वो भक्ति योग में अपने को आगे बढ़ा सकता है। भगवान की कृपा से हम भक्ति योग में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम भक्ति योग में भगवान को पा सके। जब तक कि हमारे ऊपर में भगवान की कृपा नहीं हो, और भगवान सिर्फ भगवान 18:54 में खुद ही बता रहे हैं कि तब कब तक नहीं होगा, समः सर्वेषु भूतेषु, जब तक कि वो जीव समदर्शी नहीं हो जाता है। और कब होगा, जब ना सोचती ना कांक्षती, जब वो सोचेगा नहीं, जब वो उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, तब वो ब्रह्मभूत होगा। और जब वो ब्रह्मभूत होगा, जब वो प्रसन्न आत्मा होगा, जब वो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेगा, उस समय मैं उसको आशीर्वाद दूंगा और जिस आशीर्वाद से वो भक्ति योग में आगे बढ़ सकता है। तो ये होता है एक भक्त के गुण और इसके एक लक्षण। और यदि हम अपने को देखें तो हम ये पाएंगे कि हम इन सभी लक्षणों में बहुत पीछे हैं। हमारी हर समय इंद्रिय तृप्ति की कामना होती है, हम हर समय ये सोचते हैं कि मुझे हैंकरिंग होता है, मुझे आज ये चाहिए वो चाहिए, मिल जाता है वहां पे शांति नहीं होती है, इससे आगे बढ़ने की इच्छा, इससे आगे बढ़ने की इच्छा, और इसकी वजह से हम हर जीव में भगवान को नहीं देख सकते हैं। और हम जैसे ही हर जीव में भगवान को नहीं देख सकते हैं तो फिर हमारे ऊपर भगवान की उतनी कृपा नहीं होगी। हम जितना ही सब जीवों में भगवान को देखेंगे उतनी ही भगवान की कृपा होगी। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जितना ही हम सब जीवों में भगवान को उतना ही हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। और यही हम देखते हैं कि भक्त के गुण उत्कल में थे, और इसीलिए उत्कल चूंकि संतुष्ट थे, उनको ये कोई भी राजपाट करके प्रजा का रक्षा करने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। सर्वभूतेषु का एक और एग्जाम्पल यदि हम ले प्रभु जी माता जी, तो हम देखेंगे सुखदेव महाराज। सुखदेव महाराज जैसे ही माता के गर्भ से निकले, उनको कोई भी इच्छा नहीं थी, वो सीधा एकदम जंगल में चले गए और जंगल में जाकर वो भगवान के निर्गुण रूप को ध्यान करने लगे। उनको भी कोई इच्छा नहीं थी, वो भी ब्रह्मभूत, वो सब चीज में ब्रह्म को देख रहे थे। व्यास जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि गोस्वामी महाराज को तो आगे चल के श्रीमद् भागवतम को परीक्षित महाराज को बता, इसलिए सुखदेव महाराज को उन्होंने किसी तरह से समझा बुझा के वो वापस लेके आए। विरक्ति का एक और एग्जांपल हम देखते हैं कृष्ण हिमसेल्फ, भगवान कृष्ण में खुद ही देखते हैं। भगवान जब तक वृंदावन धाम में थे तब तक उन्होंने अपने ग्वाल बाल के साथ में लीला किया, गोपियों के साथ में लीला किया, लेकिन जैसे ही वृंदावन से भगवान निकले, इसके बाद में वापस वृंदावन फिर नहीं गए। गोपी उसी तरह विरक्त रहती रही उनके ख्याल में, उसी तरह से गोप बाल जितने थे वो भी भगवान के ख्याल में विरक्त होते रहे। ये होता है विरक्ति, भगवान जैसे ही छोड़ दिया, डिटैच्ड बस, और बिल्कुल भगवान पूर्ण संतुष्ट। तो ये भगवान के भक्तों में ये गुण होते हैं और ये भगवान के भक्तों में लक्षण होते हैं, जो लक्षण और गुण हमें उत्कल जी में दिखाई पड़े। अब उत्कल जी चूंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो राज को संभाले, सुर महाराज के द्वारा छोड़े हुए राज्य को संभाले, इसलिए वो सड़क पर बिल्कुल ऐसे ही घूमा करते थे। जितने लोग उनको उत्कल महाराज को देखते थे घूमते हुए, उनको लगता था कि अरे ये कौन पागल सड़क पे घूम रहा है, बुद्धिहीन,
सड़क पे घूम रहा है, तो उनको सब लोग मूर्ख, कुछ लोग उनको सबसे ये अंधा है, कुछ लोग समझते थे कि ये गूंगा बहरा और पागल है। लेकिन जैसा कि हम लोगों को अभी ये आगे से पता चला कि वास्तव में उत्कल जी ऐसे नहीं थे। उत्कल जी कैसे थे? जो भक्ति योग में इस तरह से प्रसन्न आत्मा हो जाता है, दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है, उसकी स्थिति कैसे होती है? हम लोगों ने देखा है कि शायद सभी लोग गांव से तो काफी परिचित नहीं होंगे, हम लोग के गांव में ठंड के टाइम में कोड़ा बरता था। तो कोड़ा क्या होता है कि बेसिकली फायरवुड, जिसको फायरवुड बोलते हैं, तो हम लोग आग जलाते थे, और चूंकि जो आग जलाते थे वो यदि वो लकड़ी है वो यदि जल्दी से जल जाए तो फिर क्या होता है, ज्यादा समय तक के लिए गर्मी नहीं होता था। इसलिए किया क्या जाता था कि उस आग लकड़ी वाले आग को थोड़ा सा ऐश, ऐश मतलब उसको धूल से, उसको धूल से ढक दिया जाता था ताकि अग्नि उसके अंदर प्रज्वलित नहीं हो। और जब अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती थी तो लगता था कि अग्नि है ही नहीं, लेकिन उसके अंदर में वो गर्माहट रहती थी। और जैसे ही उस धूल को हटाया जाता था अग्नि उसी तरह से फिर से धधक उठती थी। तो उसको कौड़ा बोलते थे। इसी तरह से उत्कल जी, उत्कल महाराज को हम देखते हैं कि उनके अंदर में भक्ति योग और दिव्य ज्ञान इतना भरा पड़ा था, फिर भी वो बाहर से दिखा रहे थे कि वो अंधे हैं, गूंगे हैं, मूर्ख हैं, उनको इस सब जो एक्टिविटी से, जो भी राजकाज के से कोई भी उनको लेना देना नहीं है। तो बेसिकली क्या थे अंकल जी, ब्लेजिंग फायर, बिल्कुल जलते हुए धधकते हुए आग, उनके भक्ति योग जलते हुए धधकते हुए आग की तरह थी, लेकिन फिर भी वो अपने को बिल्कुल ढके हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि ये उनका इस तरह से गुणगान हो और लोग उनको हर समय उनके भक्ति में डिस्टर्ब करें। हमें और भी पता है नामाचारी श्री हरिदास ठाकुर के बारे में कि श्री हरिदास ठाकुर भी अपने को ऐसे स्थान में लेके रहते थे जो कि बिल्कुल गंदी वाला जगह है, और गंदे वाले जगह में इसलिए रहते थे ताकि लोग उनको आके उनके साधना में कोई विघ्न नहीं करे। तो ये सब शुद्ध गुण, ये सारे जो है गुण जो है शुद्ध भक्तों के लक्षण है। अब इसके बाद में हुआ क्या, कथा को जब आगे बढ़ाते, इसके बाद में हुआ क्या, इसका इसके कारण से मंत्रियों और परिवार के सभी बुजुर्ग सदस्यों ने सोचा कि चूंकि उत्कल में तो बुद्धि है ही नहीं, वास्तव में ये पागल है, लेकिन राज्य को तो संभालना चाहिए, तो उस राज्य को कैसे संभाला जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ध्रुव महाराज के जो छोटे पुत्र है, मतलब उत्कल से जो छोटे पुत्र है, वत्सल उनका नाम है, और जो ध्रुव और भ्रामरी के पुत्र है, उनको ही क्यों नहीं राजगद्दी दिया जाए। तो सभी के जितने भी मंत्रीगण थे वहां पे सभा में, जितने सभासद थे, सभी ने डिसाइड किया कि चलिए, जब ये उत्कल जी क्योंकि वो पागल है, गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, वो राज्य पाठ को नहीं संभाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वत्सल जी को शाही सिंहासन दे देते हैं और वो दुनिया के राजा बन गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वंशावली जो ध्रुव महाराज से वचेता तक कैसे पहुंचे, और उसके बीच में पृथु महाराज कहां पे आए, और पृथु महाराज के बारे में तब हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे। तो राजा बत्सर जो है उनकी एक बहुत प्रिय पत्नी थी जिसका नाम था स्वरवीति। बत्सर और स्वरवीति से 6 पुत्रों का जन्म हुआ जिनके नाम थे पुष्पार्ण, दिग्मकेतु, ईश, ऊज, वासु और जया। इसमें पुष्पार्ण जो है उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था प्रभा और दूसरे का नाम था दोषा। पुष्पार्ण और प्रभा से 3 पुत्र हुए, उन पुत्रों का नाम क्या है, प्रातर, मध्यन दिनम और सायम।
और इसी तरह से पुष्पार्ण और दोसा से तीन पुत्र हुए, उनका नाम क्या है? प्रदोषा, निशीथ, ब्यूस्ट। अब इन सारे पुत्रों के बारे में विदुर जी को मैत्रेय जी ने नहीं बताया, सिर्फ ब्यूस्ट के बारे में बताया, क्योंकि वंशावली में हमें पितु महाराज तक पहुंचना है, तो ब्यूस्ट के बारे में बताया। ब्यूस्ट की एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम पुष्कारणी था, और उन ब्यूस्ट और पुष्कारणी ने एक बहुत ही तेज राजा को जन्म दिया जिसका नाम सर्वतेजा रखा गया। सर्वतेजा का भी विवाह हुआ आकुति से, और सर्वतेजा और आकुति से एक पुत्र जन्म, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया चाक्षुषा। समय बीतता गया, चाक्षुषा का नडवाला से विवाह हुआ, और चाक्षुषा और नडवाला से 12 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। जिन 12 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई उसमें से जो सबसे छोटे थे उनका नाम था उल्मुख। उल्मुख का विवाह पुष्कारणी से हुआ, और उल्मुख का विवाह पुष्कारणी से होने के बाद में उनको 6 पुत्र हुए, और उन 6 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अंग था, और अंग का सुनीता से विवाह हुआ, और अंग और सुनीता के विवाह के वजह से उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम वेण। वेण जो था वो स्वभाव से बहुत ही क्रूर था, बहुत ही डिसऑनेस्ट था, और वो इतना डिसऑनेस्ट था, इतना क्रूर था कि बचपन में वो जब भी खेलने जाता वो खेल खेल में ही अपने साथियों को बहुत ज्यादा दंड देता था, और उस दंड से कभी कभी उनके साथियों की मृत्यु भी, बाल सखा की मृत्यु भी हो जाती थी, बिल्कुल डिसऑनेस्ट। उसके इस क्रूर नेचर से, उसके इस विकृत मानसिकता की वजह से संतों को बहुत क्रोध हुआ, और उस क्रोध से उन्होंने श्राप दे दिया, और उस श्राप की वजह से वेन की मृत्यु हो गई। अब जब वेन की मृत्यु हो गई तो अब राज्य में फिर से कोई राजा नहीं रहा। जब राज्य में कोई राजा नहीं रहा तो जितने भी चोर बदमाश छुपे हुए थे वो सब फिर से फल फूल गए, फिर से वापस आ गए, और राज्य में बिल्कुल अनियमितता छा गई, और उससे सभी नागरिक बहुत परेशान हो गए। जब ये कथा विदुर जी ने सुना तो विदुर जी ने एक प्रश्न किया मैत्रेय मुनि से कि जो 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 प्रश्न हमें श्रीमद् भागवतम के 4.13.21 में आता है, उस प्रश्न में विदुर जी ने पूछा कि विदुर जी ने पूछा मैत्रेय मुनि से कि मैत्रेय मुनि आप एक बात बताइए कि अंग जो कि इतने शुद्ध वंशावली से, जो कि भगवत समर्पित वंशावली से, ध्रुव महाराज के वंशावली से आ रहे हैं, और अंग खुद एक बहुत ही शांत राजा, बहुत ही भगवान के समर्पित, भगवान को समर्पित करते हुए राजा, और इन राजा को इतना सज्जन राजा को, इतना उच्च चरित्र के राजा को एक ऐसा क्रूकेट, एक ऐसा डिसऑनेस्ट बालक कैसे पैदा हो गया? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह जैसे वंशावली होते हैं, जैसे माता पिता होते हैं, उन माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्र में आते हैं। तो अंग बहुत बढ़िया, अंग की वंशावली बहुत बढ़िया, तो इस वंशावली में किस तरह से ये बेन पैदा हो गए? विदुर जी क्या पूछ रहे हैं? विदुर उवाच तस्य शील निधे साधोर ब्रह्मणस्य महात्मनः राज्ञः कथम अभूत दुष्टा प्रजायद विमनाययौ। विदुर ने मैत्री से पूछा, हे ब्राह्मण, राजा अंग तो अत्यंत भद्र था, वह अत्यंत चरित्रवान तथा साधु पुरुष था, और ब्राह्मण संस्कृति का प्रेमी था,
तो फिर इतने महान पुरुष का वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिससे वह अपने राज्य के प्रति अन्य 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 मनस को उठा और उसे छोड़ दिया। तो यह पहला प्रश्न विदुर जी ने पूछा मैत्रेय मुनि से, और क्योंकि यह प्रश्न का काफी वाजिब था, बहुत ही नेचुरल था, तो उसके जवाब में मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं कि मैत्रेय कि उत्कल अंग अंग महाराज जो है एक समय एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। और यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता है? यज्ञ का आयोजन किया जाता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अंग महाराज जो है एक यज्ञ का आयोजन किए, और उस यज्ञ के आयोजन में जितने भी ऋषि मुनि और महात्मा वहां पे इकट्ठा हुए थे, यज्ञ आरंभ किया उन्होंने। जब यज्ञ आरंभ किया तो यज्ञ आरंभ करने के समय में हम देखते हैं कि देव और जितने भी देवी देवता हैं उनका आह्वान किया जाता है यज्ञ में। तो आह्वान किया जा रहा था, लेकिन उस आह्वान करने के बावजूद भी ना कोई देवी ना कोई देवता वहां पे उस यज्ञ का फल को लेने के लिए वहां पे उपस्थित हो रहे थे। जब वहां पे कोई उपस्थित नहीं हुआ तो बहुत परेशान हो गए अंग जो है, बहुत परेशान हो गए। और अंग बोले क्यों अंग परेशान हो गए कि उनको यह लगा कि जब मैं खुद भी भगवान की भक्ति में अपने को चलाता रहूं और अपने हिसाब से तो मैंने कोई गलत काम किया नहीं है, तो हम इस यज्ञ में जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें कोई देवी देवता क्यों नहीं यहाँ पे अपने यज्ञ के भाग को लेने के लिए यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, या फिर भगवान अपने यज्ञ के भाग को लेने के लिए क्यों उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने यह प्रश्न जो है वहां पे सभी ऋषि मुनियों से किया। ऋषि मुनियों ने राजा को देखा और देख के उन्होंने बोला कि राजा मेरे को तो ये देख के नहीं लगता है कि आपने इस जन्म में कोई भी ऐसा कोई काम किया है कि जिससे ये लगे कि यज्ञ में देवी देवता उपस्थित ना हो। कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, लेकिन जब हम आपके पूर्व जन्म को देखें तो पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती, और चूंकि पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती है उस कर्म के फल की वजह से, इसलिए देवी देवता जो है वो उस इस यज्ञ में उपस्थित होके आपके इस यज्ञ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस यज्ञ के फल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्म है, किसी ने कोई भी सकाम कर्म यदि किए हैं, वो सकाम कर्म जो है उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता है, उस कर्म के फल से कभी भी उस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है, कर्म के फल को तो झेलना ही पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं डेस्टिनी, इसी को बोलते हैं भाग्य। कर्म के फल द्वारा जो संचित प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के द्वारा जो भी हमारे सामने चाहे या अनचाहे एक सिचुएशन एक परिस्थिति क्रिएट हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं भाग्य। भाग्य ने अंग को भी नहीं छोड़ा, और अंग जब ये देखे कि अब इस यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ को हम परिचालन नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने मुनियों से आदेश लिया, और मुनियों के आदेश के अनुसार से उन्होंने दूसरा यज्ञ किया, और दूसरे यज्ञ को करने के पश्चात वहां पर भगवान उपस्थित हुए, और भगवान उपस्थित होकर उन्होंने एक खीर का पात्र दिया, और उस खीर के पात्र को उन्होंने अपने राजा अंग ने अपनी पत्नी को अर्पित किया उस प्रसाद के रूप में। और जब उनकी पत्नी ने वो खीर प्रसाद पाया तो अंग और उनकी पत्नी सुनीति के संयोग से उनको बेन जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो समय हो गया है, अब शायद जी हरे कृष्णा समय हो गया है, तो शायद क्योंकि ये विस्तार से चर्चा करने का विषय है कि किस तरह से कर्म ने अंग को नहीं छोड़ा, उसी तरह से कर्म ने भीष्म देव को भी नहीं छोड़ा, कर्म के जो फल है वो राजा दशरथ को भी नहीं छोड़ा,
तो इस कर्म के फल को जरा हम लोग थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज यदि सबका आदेश हो तो सत्र को यहीं पे विराम देते हैं, और कृष्ण की कृपा होगी, महाराज की कृपा होगी, तो फिर से अगले सत्र में यहीं से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। प्रभु जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बड़े बड़े भक्त हमारे सामने उपस्थित हैं आज के क्लास में। सर्वेश्वर प्रभु जी है, श्यामचरण प्रभु जी है, मनोहर कृष्णदास प्रभु जी है। प्रभु जी मेरे से कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि आप लोगों का कोई इनपुट है तो प्लीज आप लोग इनपुट दीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। और कोई प्रश्न है किसी दूसरे भक्त को तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सर्वेश्वर प्रभु जी प्रश्न पूछेंगे या फिर मनोहर कृष्णदास या फिर श्यामचरण प्रभु, तो शायद मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं उसका उत्तर दे सकूं। तो वो लोग प्रश्न पूछ के अपना खुद ही उत्तर दे दे तो बेहतर है, और दूसरे को प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका प्रवचन और आपकी विचारधारा, आपके हृदय से प्रस्फुटित एक एक शब्द जो है बहुत ही मधुरमय होते हैं। आपकी कथा सुन करके बहुत ही आनंद आता है, कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता इसमें। ये तो भागवत कथा है, इतना रसमय आप कथा करते हैं, बस सुन करके ही आनंद आ जाता है। उसमें प्रश्न पूछने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, प्रश्न ही नहीं है, आनंद ही आनंद है। आप लोग के चरण कमलों को फॉलो करते हुए हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्री कोई त्रुटि हो या फिर कोई और इनपुट देना है तो प्री कोई तो आप प्लीज शेयर नहीं, बस सुनते रहेंगे आपको, बस ऐसे ही आनंद लेते रहेंगे। मनोहर कृष्णदास प्रभु जी, प्रभु जी आपका बहुत ही अच्छा रहता है प्रवचन। प्रभु जी आपका इतना अच्छा डीप ज्ञान है कि मैं, और आपकी बात हमको बहुत अच्छी लगी कि जब सुनने के बाद हमें विश्लेषण करना चाहिए कि हम किस तरह से अपने को सुधार सकें। और फिर आपके प्रवचन से मुझे पता चला आपको भागवतम में बहुत आप डीप गए हैं, तो हमें भी ये प्रेरणा मिल रही है कि हम भी जाएं उसी तरह से। प्रभु सब ये आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है हम लोग के ऊपर में। सभी का प्रवचन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये प्रभु वास्तविकता है कि हम लोग यदि इंट्रोस्पेक्शन नहीं करें ना प्रभु जी, जैसे महाराज हर समय बोलते हैं कि सुपठन, पठन तो एक हो गया कि आपने पढ़ लिया चैप्टर क्लोज्ड, अब उसके पहले सु मतलब सुपठन। तो जब तक हम लोग सुपठन नहीं करें, और सुपठन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग एनालिसिस करें। अब हम लोग अपने मेटेरियल लाइफ में भी देखते हैं प्रभु की, जब हम लोग विद्यार्थी थे अपने मेटेरियल भौतिक लाइफ में भी, विद्यार्थी के रूप में भी हम लोगों ने जब अपने लाइफ को जिया है, तो प्रभु उसमें एक ही चीज किया है ना कि कोई भी टॉपिक को पढ़ते थे तो आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करते थे ना, अपने से क्वेश्चन पूछते थे, और जब अपने से इंटरनली क्वेश्चन पूछते थे तो अचानक से पता उसके एक अलग अलग डायमेंशन निकलता था। जी जी, तो ये जब हम लोग भौतिक चीज में ये कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में यदि हम लोग इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी यदि हम इसको फॉलो करें, और हर क्लास के बाद में या फिर महाराज का कोई लेक्चर सुन रहे हैं या प्रभुपाद जी का कोई लेक्चर हमने पढ़ा या सुना, जस्ट स्टॉप इट इन बिटवीन, और उसको यदि हम लोग विवेचना करें तो प्री उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो इम्प्रिंट हो जाता है, वो फिर हृदय में इम्प्रिंट हो जाता है, दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से तो प्री सुपठन का विचार ही यही है प्रभु जी। जी जी, और आप लोग के आशीर्वाद से प्रभु जी हम लोग सभी इस तरह से सुपठन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी आप सही कह रहे हैं, बोलिए प्रभु जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोले हम कुछ नहीं बोलने वाले थे। नहीं श्याम सुंदर प्रभु जी हमारे आशीर्वाद ले रहे हैं, हम इतने नीचे गिरे हुए हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। ये ठीक कहा आपने। नहीं प्रभु जी, ये सब आपकी विनम्रता है प्रभु जी, लेकिन वास्तविकता है कि हम लोगों को सभी को महाराज का आशीर्वाद चाहिए, और हम लोग एक दूसरे को प्रेरणा इसी तरह से देते रहे बहुत ही अच्छा लगता है। और
सभी सीनियर डिवोटीज का आशीर्वाद बिना ये संभव नहीं है प्रभु जी, ये बिल्कुल असंभव है। तो इसी के साथ में प्रभु, यदि कोई प्रश्न नहीं है तो इसी के साथ में हम लोग आज इस सत्र का हम लोग विराम देते हैं, और कृष्णा विलिंग फिर से जहाँ पे हम लोगों ने विराम दिया है उसको कंटिन्यू करेंगे, और शायद ऐसा लगता है कि पृथ्वी महाराज तक पहुंचते पहुंचते 3-4 सत्र की आवश्यकता होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो अब मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजा पृथु ने 100 अश्वों का बलिदान क्यों दिया, वो विषय के ऊपर हम कथा आज चालू करने वाले थे, लेकिन प्रभु जी ने पीछे से राजा पृथु की 2 पीढ़ी पीछे से हमको समझाना चालू किया है। और इसका एक कोइंसिडेंस ऐसा भी है कि कुछ ही महीने पहले, मे बी बिफोर 1 month ही, हमने हमारे जो टेम्पल में भागवतम चल रहा है उसमें भी राजा पृथु का चैप्टर अभी कम्प्लीट करके राजा पुरुजन का चैप्टर स्टार्ट किया है, तो रिकॉल हो जाएगा। जय हो, सारी चर्चा और प्रभु जी के और महाराज जी के जो संस्मरण थे, प्रभु जी की जो बातें थी उसका भी हमें ज्ञान मिलेगा अब आगे की कथा में धीरे धीरे धीरे। तो अब हम ये कथा को पूर्णाहुति देते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से, एवं यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज पार्ट 1 में इतना सुंदर हमें समझाया। वापिस पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में प्रभु जी से वापिस नेक्स्ट सेशन पे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब उसमें हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री देव की जय।